कैसे हो दोस्तों, मैं गुरु। तो आज मैं आपको अमेजोन की रैंकिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको पता नहीं है, अमेजोन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। मतलब अमेजोन कोई एक पर्टिकुलर स्टोर को प्रमोट नहीं करता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं करता है। अगर आप amazon.in के मेन पेज पे विजिट करते हैं, अमेजोन का ही खुद का ही ब्रांड्स है, जैसे कि अमेजोन बेसिक्स हुआ, सोलिमो हुआ, पर उस ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करते हैं। हमेशा कस्टमर क्या करते हैं, अमेजोन वेबसाइट पे जाते हैं और सर्च बार पर उनको जो प्रोडक्ट पसंद है उसको टाइप करके परचेस करते हैं। और अमेजोन इसी तरह स्ट्रैटेजी को ही अपनाता है और अमेजोन हमेशा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली बिगिनर्स को जो प्राइवेट लेबलिंग सेलिंग करना चाहते हैं। तो उसी तरह बिगिनर्स को प्रोडक्ट को रैंक करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई सारा लोग बिगिनर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट सही ढूंढते हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चर सही ढूंढते हैं, पर वो मतलब उनका प्रोडक्ट सही तरीके से रैंक नहीं करते हैं। तो आपको मैं कुछ अमेजोन का स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। तो अमेजोन पर अराउंड 70% जो कस्टमर्स रहते हैं वो फर्स्ट पेज से नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते हैं, मतलब फर्स्ट पेज पे ही उनका प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और 61% जो सेल्स होता है वो फर्स्ट पेज पे ही रहता है। तो इसीलिए आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रोडक्ट के लिए मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मेन कीवर्ड्स रहता है। तो उस कीवर्ड पे आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करना चाहिए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स मिलेगा। तो आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए अमेजोन का एल्गोरिथम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कई सारा फैक्टर्स है, तो उस फैक्टर्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर है सेल्स वेलोसिटी। तो अगर आपको सेल्स वेलोसिटी पता नहीं है, तो सेल्स वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। मतलब अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है उसका मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे अगर सपोज 300 सेल्स आ रहा है एवरेज सेल्स, तो पर डे का सेल्स हुआ 10 सेल्स पर डे। अगर आपका भी प्रोडक्ट बिगिनिंग में 10 सेल्स पर डे करता है अराउंड 7 to 10 डेज तक, तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है। तो अमेजोन हमेशा उनका जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है उसको फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए उस सेल्स वेलोसिटी मैच करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेजोन पीपीसी यूज कर सकते हैं, गिव अवे यूज कर सकते हैं, और भी कई सारा एडवांस स्ट्रैटेजीज है। तो सेल्स वेलोसिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट रैंक करता है अमेजोन के पेज पर। तो दोस्तों दूसरा फैक्टर है फुलफिलमेंट। तो अगर आपको पता नहीं है, अमेजोन पर दो अलग अलग फुलफिलमेंट नेटवर्क्स है, एक है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन आपको पता ही होगा, जो FBA है, मतलब जो मैं खुद करता हूँ और मतलब रेकमेंड करता हूँ, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उस अमेजोन FBA के वेयरहाउस पे सेंड करना है। तो जब आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर आएगा अमेजोन पर, तो उस प्रोडक्ट को शिप करना, कस्टमर सपोर्ट हैंडल करना, वो सब कुछ अमेजोन करते हैं। तो आपको बस आपके प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपके प्रोडक्ट के मार्केटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, मतलब जब आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर आएगा तो शिपिंग, कस्टमर सपोर्ट, वो सब कुछ आपको खुद हैंडल करना है। तो इस दोनों में अमेजोन FBA आपको चुनना है। अगर आपको 10 से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है पर डे के लिए, तो हमेशा अमेजोन FBA आपको इकोनॉमिकल रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। और अमेजोन FBA करने से आपको प्राइम लोगो आता है, आपका लिस्टिंग पे प्राइम लोगो दिखता है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो अराउंड 81% कन्वर्जन ज्यादा होता है जिस लिस्टिंग पे प्राइम लोगो है। तो इसलिए प्राइम लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको फुलफिलमेंट नेटवर्क FBA चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों तीसरा फैक्टर है CTR, जो हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए, आपका लिस्टिंग रैंक होने के लिए। तो ये हमेशा नंबर ऑफ जो कस्टमर्स देखते हैं आपके प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स जो क्लिक करते हैं। तो उस तरह अगर 100 लोग आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, उसमें 10 लोग क्लिक करते हैं, तो आपका CTR हुआ 10%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये यूजुअली मतलब आपके प्रोडक्ट टाइटल और आपके मेन इमेज पे डिपेंड होता है। तो ये यूजुअली आपके प्रोडक्ट का टाइटल और आपके प्रोडक्ट का मेन इमेज, तो आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग का सर्च टर्म्स पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग आपको हमेशा कीवर्ड रिच बनाना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट मतलब कस्टमर्स को दिखेगा। तो उसी से ही आपका CTR इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए क्लिक थ्रू रेट बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक करने के लिए अमेजोन पर। तो दोस्तों उसके बाद फैक्टर 4 है कन्वर्जन रेट। तो कन्वर्जन रेट मतलब जो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं डिवाइडेड बाय जो लोग आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग क्लिक करते हैं, तो ये आपका कन्वर्जन रेट रहता है। और ये बाय फार मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग पर लोग क्लिक कर रहे हैं और परचेस नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ा सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर इस तरह होता है आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग पर, तो अमेजोन क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को रैंक नहीं करता है। तो इसके लिए मेन रीजन मतलब वही हुआ, मतलब लिस्टिंग हुआ, आपके प्रोडक्ट का ऑफर प्राइस हुआ, और क्या आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपका लिस्टिंग कैसा है, तो उस पे ही वो डिपेंड होता है। तो अमेजोन पर रैंक करने के लिए CTR और कन्वर्जन रेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और दोस्तों फिफ्थ फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करता है अमेजोन एफबीआई के फर्स्ट पेज में, वो है रिव्यू रेटिंग और रिव्यू अमाउंट। तो रिव्यू रेटिंग अगर आपको पता नहीं है तो अमेजोन के जो भी आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो आपको 3.5, 4.5 उस तरह दिखता है। तो हमेशा अच्छा लिस्टिंग के लिए हमेशा 3.5 से भी ज्यादा रहना चाहिए। तो मैं तो 4 से भी ज्यादा रेटिंग मेंटेन करने का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें कन्वर्जन भी ज्यादा आता है और प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट पेज पे ही स्टिक रहता है, चाहे कुछ महीने के लिए इनकंसिस्टेंट सेल हो रहा हो। और रिव्यू अमाउंट, तो रिव्यू अमाउंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है तो अमेजोन पर सेल करना एक, मतलब मैं तो एक रियल एस्टेट की जरा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ चुका है मेन कीवर्ड पर और 20 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है, तो रेयरली ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट से आपको इनकम ना आ रहा हो। उस प्रोडक्ट के लिए आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो जाता है। आपको वो क्या करना है, आपको बस उस प्रोडक्ट के लिए रीस्टॉक करता रहना चाहिए। तो अगर मेरा एग्जांपल मैं कहूँ तो मेरा एक प्रोडक्ट अगर 300 सेल्स आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, 1000 to 2000 यूनिट्स एक बार मंगवा देता हूँ। तो अगर मैं स्टॉक पे रखता हूँ मुझे 3 to 6 मंथ्स तक उतना काम नहीं रहता है। ऑफकोर्स वीकली एक बार लिस्टिंग चेक करना है, रिपोर्ट चेक करना है, तो उस तरह काम रहता है। तो इसीलिए अमेजोन एफबीए पर जो प्रोडक्ट रहता है वो असेट ही मानता हूँ, तो उससे पैसिव इनकम आता रहेगा। तो उसी तरह आपको सोचना है। तो स्पेशली अगर आपके प्रोडक्ट के लिए 100 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है तो 95% मतलब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ही रहता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे है तो ज्यादा सेल्स आता ही रहता है। तो उस तरह है। तो मतलब रिव्यू रेटिंग और रिव्यू अमाउंट ये गारंटी करता है कि आपके प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए सेल हो जाएगा और आपके लिए एक पैसिव इनकम का एक बिजनेस है। तो वो गारंटी करता है रिव्यू रेटिंग और रिव्यू अमाउंट। तो बिगिनर्स के लिए ये दोनों फैक्टर कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके प्रोडक्ट रैंक करने के वक्त। तो प्रोडक्ट रिसर्च में ही आ जाता है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं जिसमें मतलब फर्स्ट पेज में कई सारा कॉम्पिटेटर्स है जिनके पास रिव्यू रेटिंग और रिव्यू अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो वो कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों फैक्टर कंसिडर करना ही चाहिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त और उस प्रोडक्ट को रैंक करने के वक्त। और दोस्तों उसी के साथ सिक्स्थ फैक्टर है, वो आपको बता ही होगा, कंप्लीट लिस्टिंग। तो ज्यादा से ज्यादा बिगिनर्स और मतलब ओल्ड स्कूल बिजनेस पर्सन जो पुराने सेलर्स है, तो अगर आप लिस्टिंग देते हैं तो उनका लिस्टिंग मतलब कंप्लीट नहीं रहता है। आपको हमेशा इमेजेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्शन इमेजेस, इंफोग्राफिक इमेजेस रहना चाहिए, लोगो उठ के दिखना चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल में आपको यूजर्स और किन के लिए प्रोडक्ट और उसका मेन कीवर्ड रहना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में सभी चीज मेंशन रहना चाहिए और एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, ऑर्डर प्रकार से आपको बनाना चाहिए और आपको सभी लिस्टिंग कीवर्ड रिच बनाना चाहिए, मतलब सभी जो सेंटेंसेस आप यूज करते हैं उसमें मेन कीवर्ड्स मिला के आपको बनाना चाहिए। तो लिस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने पहले कहा, कई सारा लोग ये मिस कर देते हैं और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि अमेजोन प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है वो सब कुछ। तो मतलब मैं एज ए यूट्यूबर मतलब मुझे भी कई सारा लोग पूछते रहते हैं कि उनका प्रोडक्ट पे क्यों सेल नहीं आता है, तो उस तरह पूछते रहते हैं। अगर मैं उनका लिस्टिंग देखता हूँ वो खुद उनके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, उस तरह उतना खराब लिस्टिंग रहता है और प्रोडक्ट भी उतना क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। जिस तरह आप प्रोडक्ट से सही तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट के लिए सही मैन्युफैक्चर ढूंढते हैं, प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, उसी तरह आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग भी सही रहना चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट जब फर्स्ट पेज पे आएगा वो उस वहां ही स्टिक रहेगा और आपको ऑर्गेनिक सेल्स आता रहेगा। और उसी के साथ हमारा लास्ट फैक्टर है एक्सटर्नल ट्रैफिक। तो ये स्पेशली ज्यादा से ज्यादा एडवांस सेलर्स यूज करते हैं। बिगिनर्स मतलब स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस में यूज करने की जरूरत नहीं है हर प्रोडक्ट के लिए। तो आपको पता ही होगा अमेजोन थर्ड नंबर पर रैंक होता है सर्च इंजन प्लेटफॉर्म में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अमेजोन पर सर्च कर रहे होते हैं। पर उसके अलावा कई सारा और वेबसाइट्स भी है, तो कई सारा लोग हैं जो आपको पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, तो वहां से भी आप ट्रैफिक ला सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, कई सारा वेबसाइट्स है। और प्राइवेट लेबलिंग का यही मतलब है कि आपको मतलब आप एक असेट बिल्ड कर सकते हैं अमेजोन के अलावा, आप एक अलग ही ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो वहां का जो फॉलोअर्स है वो भी आपका असेट्स बन जाते हैं, तो वहां से भी आप ट्रैफिक ला सकते हैं। और अमेजोन इसको पसंद भी करते हैं, मतलब एक्सटर्नल ट्रैफिक। और इस एक्सटर्नल ट्रैफिक और इस एक्सटर्नल असेट मतलब आपको आगे आपको एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप मतलब जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को आपके प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब इनिशियल पुश जो सेल्स वेलोसिटी मैच करने के लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सटर्नल ट्रैफिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये रहा दोस्तों, ये 7 फैक्टर्स आपको जानकर फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।